ओके प्यारे बच्चों, आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस दैट कि हमारे चैनल पर अब ज्वाइन बटन आ चुका है। अब इस ज्वाइन बटन की हेल्प से मैं और आप अब ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे, एक दूसरे से लाइव स्ट्रीम में चैट कर पाएंगे, लाइव बात कर पाएंगे और फ़ोन पर भी बात कर पाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। कैसे होने वाला है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ एक बहुत प्यारा सा कोर्स जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आपके सिलेबस के जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं उनको क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है। और वो आपको कैसे मिलेगी, जब आप ज्वाइन करेंगे एचजीएस क्लासेस को आपको होगी। ये तो हमने पहले से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन आप हो अभी सब्सक्राइबर और जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आप बन जाओगे इस चैनल के मेंबर। इस चैनल का मेंबर बनना क्यों जरूरी है, क्यों हम इस चैनल के मेंबर बने, हम तो सब्सक्राइबर बनकर ही खुश हैं। सब्सक्राइबर जब आप होते हो तो प्यारे बच्चों आप देखते हो वीडियो को, और वीडियो को देखने के बाद आपका टीचर से किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब आप बन जाओगे चैनल के मेंबर, तो उस चैनल के मेंबर बन जाने के बाद आपका और मेरा इंटरेक्शन पूरी तरह से होने लगेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं हो रही हैं और वो फिर होने लगेंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आप जब मुझे कमेंट करते हैं तो सारे कमेंट के आंसर दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे ने वीडियो देखा, कुछ डाउट आए, उसने कमेंट किया और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि टीचर उसका फटाफट से आंसर कर दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, टीचर के लिए भी नहीं हो पाता है। तो बच्चों यहाँ पर इंट्रैक्शन की लैक हो रहा है इंट्रैक्शन, है ना। सेकेंड जो चीज़ मैं कहूँगा प्यारे बच्चों, वो है रेगुलरिटी। आप चैनल पर वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको इस चैनल को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइबर बने रहिए, आपको जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली अपलोड होती रहेंगी और आपको इसको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेगुलर नहीं रह पाते हैं, आपको आपका टाइम टेबल नहीं पता है कैसे करना है, कैसे बनाना है, क्यों कौन सा वीडियो देखना है, कब कौन सा नहीं देखना है, ये सब आपको पता नहीं चल पाता है, ये सब पता करना चाहते हो आप मुझसे कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हम कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ें, कौन सा टॉपिक थोड़ा कम पढ़ें, कौन सा टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें, इन सब के लिए आपको प्यारे बच्चों ज़रूरत है मेरे से इंट्रैक्शन करने की। और वो इंट्रैक्शन मिलेगा सिर्फ चैनल के मेंबर्स को, और वो आप बन सकते हो, आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल के मेंबर बन सकते हो। जब आप चैनल के मेंबर बन जाओगे तो जो आपका जो ये छोटा सा प्यारा सा आपका जो ये कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स वाला जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा। और साथ साथ क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कुछ बैचेज हैं जिन अलग अलग बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें से एक बैच है हमारा इन्फिनिटी बैच, सेकंड बैच है हमारा टेंजेंट बैच, एंड थर्ड एंड लास्ट बैच है हमारा टॉपर्स बैच। इन बैचेज को आपको इन बैचेज में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला बैच है बच्चों वो है इन्फिनिटी बैच। आप सबसे पहला बैच जो ज्वाइन कर सकते हो वो है इन्फिनिटी बैच। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन 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 सी एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएंगी जब आप इस बैच को ज्वाइन कर लोगे, उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपको इन्फिनिटी बैच में मिल जाती है बच्चों वो है लॉयलिटी बैजेस। ये लॉयलिटी बैजेस क्या होता है, लॉयल्टी बैजेस इन जनरल वो बैजेस हैं जो आप इन जनरल यहाँ पर लगा लेते हो और क्या कहते हो, जो वो रिप्रेजेंट करता है कि आप किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो या आप किस चीज़ के मेंबर हो, है ना। तो जब आप इन्फिनिटी बैच के मेंबर बन जाते हो तो उसके बाद एक लॉयल्टी बैज आपको मिल जाएगा। उस लॉयल्टी बैज को की हेल्प से आपका क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। नंबर वन बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप जीएस क्लासेस पर कमेंट करेंगे तो वो कमेंट पर आपका उस बैज का फोटो आएगा, तो उससे वो मुझे बिल्कुल क्लियर रहेगा कि ये मेरी क्लास का मेंबर है और उसके कमेंट का आंसर मुझे तुरंत के तुरंत करना है, और सबसे प्रायोरिटी पर रहेगा उसका जो कमेंट वो करेगा, जो कमेंट सेक्शन में आप करते हो। ये तो हो गया एक। नंबर दो अगर मैं देखूं तो बैजेस का फ़ायदा आपको मिलेगा लाइव चैट में। जब आप लाइव चैट कर रहे होते हैं तो हमारे लाइव सेशन के टाइम पर क्या होता है, लगातार बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। अब उसमें लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं जिनको मुझे सॉल्व करना होता है। तो लाइव सेशन के टाइम पर जब आप कोई भी कमेंट टाइप करोगे या आपने कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछा ड्यूरिंग द लाइव सेशन, तो क्या होगा, आपके कमेंट के आगे वहाँ पर वो बैज बना हुआ आएगा। इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि ये जीएस क्लासेस का एक मेंबर है और उसका जो भी क्वेश्चन होगा वो लाइव सेशन के टाइम पर प्रायोरिटी पर होगा और उसका जो भी डाउट होगा वो प्रायोरिटी पर रहेगा।
तो ये दो बेनिफिट मिल जाते हैं आपको बैज लगाने के। जब आप कमेंट करेंगे तब भी वहाँ पर बैज मिलेगा, बैज आएगा, इससे क्या मुझे पता चलेगा कि ये एक मेंबर है। और दूसरा, लाइव सेशन के टाइम पर भी जब भी आप कमेंट करेंगे या कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी डाउट आपको आता है लाइव सेशन के टाइम पर, तो वहाँ पर भी आपके कमेंट के सामने एक बैज आएगा। उस बैज से मुझे ये पता चल जाएगा क्योंकि ये मेंबर है हमारा, तो इसलिए हम सबसे पहले प्रायोरिटी करेंगे कि जो भी उसका डाउट है वो उसको सबसे पहले क्लियर किया जाए बाकी औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों आपका बैज वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो बैज आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज जो आपको मिल जाएगी वो है कस्टम इमोजी। कस्टम इमोजी टू यूज इन लाइव चैट। जब आप लाइव चैट कर रहे होते हो तो लाइव चैट के टाइम पर आप वहां पर इमोजी को यूज करते हो, लेकिन जो इमोजी आपको मिले हुए हैं वो इमोजी वो हैं जो ऑलरेडी वहां पर यूट्यूब की तरफ से आपको मिले हुए हैं, लेकिन मैं आपको अपने कुछ इमोजी बनाकर दूंगा जिनको आप लाइव चैट में यूज कर सकते हो। तो वो इमोजी जब आएगा, जब वो कमेंट में, जब आप लाइव चैट के ड्यूरिंग द लाइव चैट जब आप उस इमोजी को यूज करोगे तो मुझे पता रहेगा कि ये कमेंट किसने किया है, एक मेंबर ने किया है, क्योंकि ये इमोजी मैंने उनको बनाकर दिया था। तो जो इमोजी मैं आपको बनाकर दूंगा वो आप ड्यूरिंग द कमेंट यूज करोगे तो वो मुझे क्लियर रहेगा कि ये मेरे मेंबर का कमेंट है और उसको वो चीज़ मिली या नहीं मिली। जैसे सपोज करो आपने मुझे कोई डाउट पूछा, ओके, अब जब आपने डाउट पूछा और मैंने कहा आपको ये क्लियर है या नहीं है, तो आप यस लिखकर टाइप करते हो, लेकिन जब आपको मैं एक इमोजी दूंगा तो उसमें जब आप यस टाइप करोगे तो वो इमोजी आ जाएगा मेरे सामने, तो उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि जो मेरा मेंबर है उसको वो चीज़ क्लियर हो गई। आपको समझ आ रही है बात? आपने यस टाइप किया तो वहाँ पर यस लिखा हुआ नहीं आएगा, वहाँ पर एक इमोजी आ जाएगा, जो इमोजी आपका जो आपको मिला होगा जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे, तो वो इमोजी जब आएगा तो मुझे क्लियर दिखेगा कि मेरे मेंबर को ये बात जो मैं इसको बोलना चाहता हूँ वो पहुँच चुकी है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है, ये एक फन वे में आप इसको यूज कर पाओगे इमोजी को, और दूसरे स्टूडेंट्स देखेंगे कि अरे इसके पास ये इमोजी कहाँ से आया, तब उसको पता चलेगा कि अच्छा ये तो मेंबर वाले, क्योंकि इसका जब भी ये कमेंट कर रहा है तो इसका आंसर सबसे पहले मिल रहा है और ये इमोजी जो यूज कर रहा है वो मेरे पास नहीं है, तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि ये मेंबर हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपको दूसरी वाली चीज़। तो नंबर वन आपको क्या मिलने वाला है? लॉयलिटी बैजेस। नंबर टू आपको क्या मिल जाएगा? कस्टम इमोजी। इमोजी मैं आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 इमोजी बनाकर दूंगा जो जनरली आपको ज़रूरत होगी जिनकी, और लॉयल्टी बैजेस जो हैं इन्फिनिटी बैचेस के लिए फिक्स रहेगा। जो आप इन्फिनिटी बैच को अगर ज्वाइन करते हो तो जो आपका बैज है वो फिक्स रहेगा, और इसके बाद जो और इससे ऊपर वाले लेवल वाले जो बैचेज हैं उनके लिए बैजेज जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो जब भी एक मेंबर कमेंट करेगा तो मुझे पता रहेगा कि ये इस बैच का मेंबर है और इसको क्या क्या एलिजिबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंग उसे क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉयलिटी बैजेस एंड सेकंड वन इज कस्टम इमोजी। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इन्फिनिटी बैच में सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है मेन चीज की। जो हमारा जो पर्पस था हमारा ज्वाइन करने का इन्फिनिटी बैच का, वो इमोजी लेना नहीं था, ना ही लॉयल्टी बैज लेना था। लॉयल्टी बैज और इमोजी मेरे लिए है कि जब आपका लॉयल्टी बैज मुझे दिखाई देगा तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि ये मेरा मेंबर है और मैं वो मेरी प्रायोरिटी पर रहेगा। ये इसलिए है सिर्फ। ओके, अब आप यहाँ पर किस लिए आए हो? यहाँ पर आए हो आप मैथमेटिक्स को सीखने के लिए या आप कुछ चीज़ सीखने के लिए आए हो, तो वो सिखाने वाली चीज़ जो है वो थर्ड नंबर पर आपको मिल जाती है, एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली वीडियोस। नंबर 3 पर जो आता है वो है एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली वीडियोस। ये वो वीडियोज होंगे प्यारे बच्चों जो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगे। वो सिर्फ अपलोड तो यूट्यूब पर ही होंगे लेकिन वो सिर्फ किसको दिखाई देंगे? जो मेंबर्स होंगे। तो मेंबर्स के लिए मैंने प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छी प्यारी सी एक सीरीज बनाकर तैयार की है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स ये जो सीरीज है ये सिर्फ मेंबर ओनली बच्चों के लिए है, जो मेंबर हैं जीएस क्लासेस के, तो उनको ये वीडियोस वहाँ पर मिलती रहेंगी। ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे आप नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो इन सब के सब्सक्रिप्शन रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप वीडियोज आते हैं, टाइम टू टाइम वीडियोज अपलोड होते रहते हैं और वो एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी यही होने वाला है। जब आप मेंबर बन जाएंगे, आप इन्फिनिटी बैच को ज्वाइन करेंगे, तो इन्फिनिटी बैच को ज्वाइन करने पर स्पेशली आपके लिए वीडियोज बनाए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद इस बैच में और क्या मिलने वाला? अब मैं बात करूँ प्यारे बच्चों टॉपिक्स की। एनसीईआरटी की अगर जो टॉपिक हैं या मैं कहूँ सीबीएसई बोर्ड के या स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं
उनको टॉपिक वाइज सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, जिसका नाम मैंने रखा है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जांपल के लिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो भी टॉपिक होगा एक टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन मिला। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो साथ साथ उसमें एग्जाम्पल की फॉर्म में, जो कंसेप्ट होगा कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी वहाँ पर आपको सारे डिटेल में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो जो आपको बनाई जाएगी, इसमें आपको दो चीज़ें मिलने वाली हैं। पहला, डिटेल में वेरी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी एवरी कंसेप्ट ऑन मैथमेटिक्स, और दूसरा साथ में उसका एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे सॉल्यूशन आपको वहाँ पर साथ के साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको एज अ वीडियो, जो आपका पर्पज है यहाँ आने का, वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तीसरा, थर्ड पॉइंट के बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट पर बात करूं प्यारे बच्चों, तो मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, जो इन्फिनिटी बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको मंथ में 7 times 7 बार लाइव स्ट्रीम मिलेगी। उस लाइव स्ट्रीम में उन बच्चों के जो डाउट्स होंगे, क्योंकि जब आपने कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो देखा जो आपके लिए सिर्फ बनाया गया था, तो हो सकता है उस वीडियो में भी आपके कुछ छोटे छोटे से डाउट हो, या एनसीईआरटी एग्जांपल मैंने कोई सॉल्व करके दिखाया, तो हो सकता है उस एग्जांपल में कोई एक ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो उसको आप कवर करोगे, आप नोट करके रख लोगे कि ये वाला स्टेप मुझे समझ नहीं आया, या एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है जो मुझे समझ नहीं आया, तो वो लाइव सेशन के टाइम पर आप डाउट कर लोगे। तो ये इंटरेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका है, जो यहाँ पर ये लॉन्च जो हो रहा है इन्फिनिटी बैच, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आपका यहाँ पर बनेगा मेरे से। नंबर वन, देखो जब इंटरेक्शन की बात आती है, YouTube पर वीडियो अगर हमने अपलोड कर लिया, ठीक है, अपलोड करने के बाद आपने देख लिया, बात हो गई खत्म, आपने जो कमेंट किया वो देखा नहीं देखा, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल, वीडियो पर वीडियो अपलोड हो रही है या दूसरी भी और भी बैचेस हैं उनको देख रहा है, तो बच्चे ने वीडियो तो देख लिया, लेकिन वीडियो देखने के बाद फिर उसका इंटरेक्शन नहीं रहा टीचर से। तो इंटरेक्शन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मेरा जो स्टूडेंट होगा वो लॉयल्टी बैच के साथ आएगा चैनल पर, तो वो मुझे पता रहेगा कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसका क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना मेरी ड्यूटी है। इसके बाद लाइव चैट के टाइम पर भी, लाइव चैट पर भी वो उसके बैजेज आएंगे, तो क्या होगा उस बैज से मैं ये जो भी उसका डाउट रहेगा वो सबसे पहले आने वाला है, तो सबसे पहले मैं उसको देखूंगा और उसका आंसर करने वाला हूँ। इमोजी वो आप यूज करोगे, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो देख लेगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। इसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस कर ली, तो कंसेप्ट भी आ गया और एग्जाम्पल्स भी हो गए, यहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना शुरू होगा। लेकिन जब आप कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे होगे, तो हो सकता है उस टाइम पर आपके कुछ छोटे छोटे से डाउट हो, अब उन डाउट को भी कैसे खत्म किया जाए, टीचर से और ज़्यादा इंटरेक्शन कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास आती है 7 live stream। एवरी संडे एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर आपके साथ मेरा इंटरेक्शन होगा लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम के टाइम पर सिर्फ मेंबर ही चैट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंबर चैट कर पाएंगे। तो ये मेंबर्स ओनली चैट वाली लाइव स्ट्रीम होगी, जिसमें सिर्फ मेंबर चैट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइव सेशन मैंने जो देखा है, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, बहुत सारे वहाँ पर कमेंट चलते रहते हैं जिनका उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, वो सब आपस में बातें कर रहे हैं और 10 चीज़ें वहाँ पर चल रही होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं बच्चों को, जो वास्तव में जेन्युइन वाले बच्चे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको लिए क्या होगा, सिर्फ मेंबर्स ओनली लाइव चैट वाला सेशन रहेगा। देख हो सकता है कि वो देख तो सभी रहे हों, लेकिन चैटिंग सिर्फ कौन कर पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेंबर कर पा रहे होंगे। इनमें से कुछ लाइव स्ट्रीम ऐसी होंगी, 7 live stream ऐसी होंगी मंथ में, जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी, यानी कि सिर्फ मेंबर्स उसको देख पा रहे होंगे और मेंबर्स ही उसमें चैट कर पा रहे होंगे। तो जो आपके डाउट यहां पर आने वाले हैं, वो सारे के सारे डाउट बच्चों यहां पर कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये भी हमें समझ आ गया कि थर्ड पॉइंट में हमें क्या मिलने वाला है, पूरी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है कंसेप्ट की। ओके, मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और उनसे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व होकर मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद अगर कोई डाउट आता है, तो उनके लिए हमारे पास 7 live stream रहेंगी, यानी एवरी संडे और कुछ सैटरडेज इसमें इंक्लूड होंगे, जिसमें लाइव स्ट्रीम वहाँ पर रहेगी और वहाँ पर आप चैट करके अपना क्वेश्चन पूछ पाओगे। तो जब आप चैट कर रहे होगे, तो ऑफकोर्स क्योंकि ये मेंबर्स ओनली वाला है, तो इसका मतलब आपके सामने कमेंट के आगे बैज आ रहा होगा। ठीक है, अगर वो लाइव स्ट्रीम सिर्फ मेंबर वाली नहीं भी है, तब भी वहाँ पर क्या होगा, जब लाइव स्ट्रीम में आप कमेंट करोगे, तो वहाँ पर भी आपका बैज मुझे शो होगा और आपके ही डाउट्स प्रायोरिटी पर रहेंगे एवरी टाइम। तो आप इसको सिर्फ 7 live stream काउंट मत करो,
आप काउंट करो कि जब भी जीएस क्लासेस पर लाइव स्ट्रीम होगी तो वहां पर आपके कमेंट सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले वो मुझे क्लियरली दिखेंगे कि ये बच्चे ने पूछा है, ये मेंबर है क्योंकि इसके आगे बैज है, तो वो क्लियर रहेगा। तो ये सिर्फ 7 लाइव स्ट्रीम नहीं है, एवरी लाइव स्ट्रीम में आपके डाउट सबसे ऊपर रहने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों लास्ट इंट्रैक्शन, बच्चों क्या होता है कि हमने और आपका इंट्रैक्शन हमें और डेवलप करना है, मेरा और आपका इंट्रैक्शन वैसे होना चाहिए जैसे ऑफलाइन क्लास में आप मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हो, तो वो सब करने के लिए हमने क्या तरीका निकाला, मेरा आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका हो गया बैजेस से, इमोजी से, तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये मेरा मेंबर है। दूसरा अगर मैं बात करूँ आपको और क्या क्या मिला, आपको ये मिला कि आपने एक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की पूरी अच्छी सी एक सीरीज देख ली और साथ में एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। अगर आपको एग्जाम्पल और कंसेप्ट अगर प्यारे बच्चों क्रिस्टल क्लियर है तो आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हो, किसी भी बुक की बात करूँ, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं किसी भी बुक की बात करूँ, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए तो आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम लाइव स्ट्रीम भी कर लिए, हमने कमेंट में डाउट भी पूछ लिए, और भी 10 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा डायरेक्टली टीचर से बात करके पूछना चाहता है, तो उसके लिए प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपका फ़ोन नंबर मेरे पास रहेगा, एवरी मंथ आपको मिलेगी एक फ़ोन कॉल मेरी तरफ से, मैं आपको कॉल करूँगा और उस कॉल पर अगर आपको उस सीरीज के रिगार्डिंग कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है आपके जो लाइव सेशन में अगर पूरे नहीं हो पाए हैं तो वो सारा डिस्कशन हम वहाँ पर करेंगे। ये डिस्कस करने के बाद अब मुझे लगता है कि हमारा और आपका इंट्रैक्शन पूरी तरह से हो गया है, क्योंकि मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये मेरा स्पेशल एक स्टूडेंट है और आप मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देख पा रहे हो जो कि यूट्यूब पर सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तो वो एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और फिर साथ साथ बच्चों अगर मैं बात करूँ तो लाइव सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जा रहे हैं और आपके फ़ोन कॉल पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैं आपको एक फ़ोन कॉल करूँगा मंथ में वो उसमें आप अपनी सारी बात मेरे से कह सकते हो। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है प्यारे बच्चों, इसके बदले में आप मुझे क्या देने वाले हो, है ना, आपको ये सब कुछ मिल जाने के बाद आपको ये सब कुछ मिलेगा तो उसके बदले में आपको क्या पे करना पड़ेगा, तो मैं बच्चों बता देता हूँ आपको, इन्फिनिटी कोर्स का जो फ़ी है आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 159 पर मंथ, ₹159 पर मंथ ओनली। इसका मतलब ये हो गया कि आप मुझे पे कर रहे होगे इस सब के बदले में ओनली ₹5 पर डे। ये कोर्स पेड कोर्स नहीं है, मैं इसको पेड कोर्स नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ₹5 पर डे पेड कोर्स की कैटेगरी में तो आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके क्या ये जो आपको सब कुछ मिला क्या ये ₹5 पर डे के लिए वर्थ इट है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब कुछ वर्थ इट है, अगर मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सरफेस एरिया वॉल्यूम या मैं को इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेट लाइन एवरी पॉइंट एवरी कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर करके अगर मैं आपको दूंगा तो अब मुझे लगता है मुझे ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको लगता है कि ये सारे टॉपिक आपको एवरीडे ₹5 खर्च करके अगर सिर्फ आपके अगर क्लियर हो रहे हैं तो मुझे लगता है ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये हो गया आपको, ये जो 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको मिल जाएंगे इन्फिनिटी बैच में। और फिर इसके बाद बात आती है कि आपको पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट के लिए आपको प्यारे बच्चों क्या करना है या इसको ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चों अब आपको चैनल पर जो मेरा चैनल है उस चैनल पर आपको ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चों? ज्वाइन का बटन। वो ज्वाइन वाले बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको इन्फिनिटी बैच को चूज करना है और इन्फिनिटी बैच को चूज करने के बाद फिर आपको जो पेमेंट करना है वो करना है ₹159 ओनली। और ₹159 जो आप पे करोगे तो उसके लिए पे करने के लिए कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड इससे आप पेमेंट कर सकते हो, इसके अलावा आप पेटीएम से भी पे कर सकते हो तो वो बहुत आसान रहता है। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड फिर भी कोई सपोर्ट चाहिए हो, आपको अगर पेमेंट नहीं हो पा रहा है, आप बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हो और आपको सपोज करो पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप करो कि आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, आप पहले मुझे मैसेज करो फिर मैं आपको कॉल करूंगा और फिर आपके जो भी क्वेरी होगी उसका मैं आपको आंसर करके दे दूंगा।
तो प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी बैच में आपको क्या क्या मिल जाता है? आपको सबसे पहले मिल जाता है लॉयल्टी बैच, नंबर टू आपको मिल जाते हैं इमोजीज, नंबर थ्री आपको मिल जाते हैं एवरी टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल इंक्लूड हैं। अगर एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कर लेते हो आप और आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर इसके बाद हमें मिल जाते हैं, अगर हमें कोई डाउट्स हैं तो लाइव 7 सेशन हमें मिल रहे हैं, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं बच्चों। और ये सब कुछ करने के बाद मेरी तरफ से आपको मिलता है एक फ़ोन कॉल, और उस फ़ोन कॉल पर हम और आप इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे को और ज़्यादा जानेंगे, तो इंटरेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको कितने में मिलने वाला है? ₹159 पर मंथ ओनली। ₹159 पर मंथ का मतलब हो गया बच्चों सिर्फ ₹5 पर डे। तो ये जो कुछ आपको मिल रहा है, आप सोचिए क्या ये जो है ये ₹5 पर डे में वर्थ इट है या नहीं है। अगर आपको लगता है वर्थ इट है तो मैं आपसे कहूँगा इसको ज्वाइन करिए, और इस बैच का नाम है इन्फिनिटी बैच। अगर आपको ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको सिर्फ इतना मटेरियल चाहिए तो आपको ज्वाइन करना चाहिए इन्फिनिटी बैच। ओके, तो जो सेकंड बैच है प्यारे बच्चों वो है हमारा टेंजेंट बैच। टेंजेंट बैच इन्फिनिटी बैच से ऊपर के लेवल का बैच है। अगर आप इन्फिनिटी बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इन्फिनिटी बैच में जो फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, जो मटेरियल, जो ऑफर आपको मिला हुआ है, वो सारा का सारा ऑलरेडी आपका इंक्लूड रहेगा किसमें? टेंजेंट बैच में। यानी इन्फिनिटी बैच में जो कुछ है वो सब कुछ ऑल्सो आपको मिलेगा कहाँ पर? टेंजेंट बैच में। प्लस इसमें कुछ और चीज़ें भी रहने वाली हैं। वो क्या रहने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको इन्फिनिटी बैच में मिलता है लॉयल्टी बैच, इसी तरह से आपको मिलेगा टेंजेंट बैच में एक लॉयल्टी बैच, लेकिन इस लॉयल्टी बैच का कलर अलग होगा और इन्फिनिटी बैच का जो कलर होगा वो अलग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो आपको इन्फिनिटी बैच के लिए रेड कलर मिला हुआ है, तो अगर आपको टेंजेंट बैच की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आपको ग्रीन कलर मिलेगा। तो जब आप लाइव चैट पर या कमेंट करते हो मुझे, अगर आपने कोई कमेंट किया या आपने कोई लाइव चैट के टाइम पर मुझे कोई कमेंट किया, तो जो बेजेस होंगे वो मुझे क्लियरली पता रहेगा, मेरा आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि ये किसने किया है, इन्फिनिटी बैच का स्टूडेंट कर रहा है, ये जो मुझे कमेंट किया है ये किसने किया है, ये कोई टेंजेंट बैच का कोई स्टूडेंट है उसने मुझे कमेंट किया है, तो ये मुझे वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपको जैसे इन्फिनिटी बैच में लॉयल्टी बैच मिलते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं, बट इस बार कलर चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, इमोजी प्यारे बच्चों, जैसे आपको इन्फिनिटी बैच में इमोजी मिलते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी इमोजी मिलेंगे, जो कि मुझे आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करेगा या आपको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, और आप मुझे बता पाओगे अगर उस इमोजी की हेल्प से कि ये कमेंट आपने किया है, क्योंकि वो सिर्फ इमोजी आपके पास होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो प्यारे बच्चों जैसे इन्फिनिटी में रहती हैं उसी तरह से टेंजेंट में रहने वाली हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड बात करें प्यारे बच्चों, तो इन्फिनिटी बैच में आपको दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। नंबर वन आपको मिल जाता है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें आपको जो भी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी ईच एंड एवरी टॉपिक की, और उसके बाद आपको वहाँ पर फिर बताए जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो ये जो मटेरियल था ये था इन्फिनिटी बैच में, सिर्फ इतना इंक्लूड था वहाँ पर। अच्छा, अब कुछ नया क्या अपडेट होने वाला टेंजेंट बैच में? तो टेंजेंट बैच की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बाद आपको टोटल सॉल्यूशन मिल जाता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो अगर आप इन्फिनिटी बैच को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ मिलता है कंसेप्ट एंड और साथ में आपको मिल जाते हैं एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं टेंजेंट बैच की बात करूं तो ये एक टोटल पैकेज आपका कंप्लीट एक पैकेज बन जाता है, जिसमें आपके पास कंसेप्ट होगा, उसके बाद आपके एग्जाम्पल्स होंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी। तो ये तीनों के तीनों आपको मिल जाते हैं इस टेंजेंट बैच में। ओके, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें और क्या प्लस किया गया है टेंजेंट बैच में, तो इसमें प्यारे बच्चों जो लाइव स्ट्रीम हमारी इन्फिनिटी बैच में होती है वो होती है केवल 7, और अगर मैं बात करूं टेंजेंट बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें जो प्यारे बच्चों आपको लाइव स्ट्रीम मिलने वाली है वो 10 लाइव स्ट्रीम्स मिलने वाली हैं। 10 लाइव स्ट्रीम, यानी कि आपको वो 7 लाइव स्ट्रीम तो मिलेंगी ही जो इन्फिनिटी बैच के स्टूडेंट्स को मिलेंगी, प्लस आपको 3 लाइव स्ट्रीम और मिलने वाली हैं। इसका मतलब टोटल आपके लिए होंगी 10 लाइव स्ट्रीम्स। ओके, तो ये इसमें दो एडिशन किए गए हैं, एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्लस 3 लाइव स्ट्रीम और ज़्यादा मिल जाती हैं आपको। तो वहाँ आपके क्योंकि आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्योंकि वहाँ पर अब इंक्लूड कर ली गई है, तो वहाँ पर एक्सरसाइज के डाउट भी होंगे तो लाइव स्ट्रीम भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज जैसे जैसे वहाँ पर आती गई वैसे वैसे आपका लाइव स्ट्रीम भी वहाँ पर इंक्लूड की गई, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स वहाँ पर कंडक्ट कर पाओ।
वो डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हो इन 10 लाइव स्ट्रीम में। और ऑल्सो मेंबर्स ओनली लाइव चैट, इस बात का मीनिंग ये हो गया कि जब आपकी लाइव स्ट्रीम चल रही होगी तो लाइव स्ट्रीम के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही चैट कर पाएंगे और कोई चैट नहीं कर सकता है। इस बात का मीनिंग ये हो गया कि आपको इस बैच में भी, टेंजेंट बैच में भी ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर लाइव स्ट्रीम सिर्फ मेंबर के लिए हो रही हो या जनरल यूट्यूब पर अगर मेरी कोई लाइव स्ट्रीम चल रही है तो वहाँ पर जो आपका जो चैट होगा मेरे साथ वो प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, सबसे ऊपर आएगा वो। तो वहाँ पर आपके डाउट, बहुत सारे डाउट तो जब आपका जनरली जो मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ वहाँ पर आपके क्लियर होते रहेंगे। तो ये है प्यारे बच्चों आपका टेंजेंट बैच में दो एडिशन, अगर मैं देखूँ तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड हो गई है, प्लस आपको डाउट पूछने के लिए 3 लाइव स्ट्रीम इसमें और इंक्लूड कर दी गई है। और प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो इंटरेक्शन हमारे और एक दूसरे को जानने के लिए, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, अगर कहीं पर कोई भी चीज़ आप मेरे से पूछना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होते हैं, कौन सी बुक अच्छी है, कौन से मैं इसको पढ़ाई को कैसे करूं, यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या मेरा सिलेबस पीछे छूट गया है तो मुझे ये भी चीज़ चाहिए, मुझे वीडियो ऑन डिमांड चाहिए, कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट को चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेरे से फ़ोन पर डिस्कस कर पाओगे। तो इसके लिए आपको मिलेगी एवरी मंथ मेरे तरफ से एक कॉल, आपका नंबर मेरे पास होगा और मैं एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर आपको कॉल करूंगा, ठीक है। ये सब कुछ प्यारे बच्चों किसने में मिलने वाला है, आपके पास अब एनसीईआरटी का एक कंप्लीट पैकेज आ चुका है जिसमें आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, डिटेल्ड आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन हो गई और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, प्लस डाउट लेने के लिए 10 लाइव स्ट्रीम्स, प्लस ऑलवेज लाइव स्ट्रीम या कमेंट के टाइम पर आपके कमेंट को प्रायोरिटी देने के लिए इमोजीज एंड बैजेस, ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको जो मिलने वाला है वो जस्ट ओनली ₹199 पर मंथ में मिलने वाला है। इसका मतलब ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 6 point something, मात्र आप ₹6 या ₹6 आप खर्च करोगे और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। ये आप ध्यान रखिए, ये सब कुछ जो आपको मिलने वाला है इसमें आप कहोगे YouTube पर वीडियोज तो बहुत सारे हैं, कहीं से भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये जो इंट्रैक्शन है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप वीडियोस तो देख लोगे लेकिन उसके बाद आप तो रेगुलर नहीं रहोगे, यहाँ पर आने के बाद जो सबसे नंबर 1 जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि ये जो इसका जो पर्पज़ है वो सिर्फ रेगुलर रहने के लिए है, क्योंकि वीडियो तो हमारे पास होती हैं, हज़ारों वीडियो हैं, हज़ारों टीचर हैं, बहुत सब कुछ वहाँ पर पहले से अवेलेबल है, लेकिन एक रेगुलरिटी बनेगी। एक बैच में पढ़ने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, आप ट्यूशन क्यों लगाते हो, आप ऑफलाइन क्लासेस में क्यों जाते हो, क्योंकि वहाँ रेगुलर हो जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम होता है और आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर भी बैच में आपके पास एक्सक्लूसिव वीडियोस आती रहेंगी, उन वीडियोस को देखना है आपको, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद लाइव स्ट्रीम, आपको पता होगा कि संडे को लाइव स्ट्रीम होने वाली है, मुझे डाउट पूछने ही पूछने हैं, उसके बाद फिर मैं डाउट नहीं पूछ पाऊंगा, पता नहीं आगे निकल जाएगा सिलेबस, तो आप उसको पढ़ोगे और आप उसको पढ़ोगे तभी आप डाउट पूछ पाओगे, तो आपकी एक रेगुलरिटी बन जाएगी। तो ये रेगुलरिटी आपको प्यारे बच्चों मिल रही है मात्र ₹199 पर मंथ, या मैं कहूँ ₹6 पर डे में, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो जाते हो, अगर आपकी रेगुलर की स्टडी चलने लग जाती है, मैथ्स के कंसेप्ट आपके जो हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप अगर आगे चलते हो तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होने लग जाएगा, और प्लस मैं बच्चों कहूँ आप रेगुलर हो जाओगे। अगर आप यूट्यूब के सिर्फ जस्ट वीडियोस देखते हो तो कई बार हम देखते हैं, कई बार नहीं देखते हैं, ठीक है कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, लेकिन अगर आपकी रेगुलरिटी चाहिए तो आप एक बैच को ज्वाइन करिए, और ये सब कुछ मात्र और मात्र ₹6 पर डे, ये बहुत कम है बच्चों। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, लॉयल्टी बैज मिल जाएंगे, इमोजीज मिल जाएंगे आपको, एनसीईआरटी के जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबके एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और प्लस इंटरेक्शन करने के लिए फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इंटरेक्शन हम दो तरीके से कर रहे हैं, आप लाइव चैट सेशन, लाइव सेशन जब होंगे हमारे उसमें आप मेरे से इंटरेक्ट कर पाओगे, आप फोन कॉल के थ्रू मेरे से इंटरेक्ट कर पाओगे, तो ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको सब मिल जाता है सिर्फ ₹6 पर डे, या मैं कहूँ ₹199 पर मंथ। आपका जो आपको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको जीएस क्लासेस का जो सब्सक्राइबर वाला बटन होता है उसके साथ में आपको मिल जाएगा एक ज्वाइन बटन, और ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करोगे और आपको चूज करना है टेंजेंट बैच। अगर आप टेंजेंट बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इतना ₹199 पर मंथ पे करना होगा, और आपको जो कुछ मैंने यहाँ पर बताया है ये सब कुछ वहाँ पर इंक्लूड होगा। जो फैसिलिटी इन्फिनिटी बैच में मिलने वाली है वो सब की सब टेंजेंट बैच में ऑल्सो रहेंगी।
अगर कोई कोई एक वीडियो है जो इन्फिनिटी बैच के लिए बनाया गया था तो वो ऑल्सो टेंजेंट बैच के लिए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो वीडियो टेंजेंट बैच के लिए बनाया गया था सिर्फ वो इन्फिनिटी बैच को बच्चे को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट का लेवल ऊपर है। तो नीचे लेवल वाली सारी जितनी भी फैसिलिटी होंगे, जितने भी ऑफर्स होंगे, वो सब के सब टेंजेंट बैच वाले बच्चों को अवेलेबल रहेंगे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका टेंजेंट बैच। और अगर आपको पेमेंट में कोई भी रिलेटेड इशू आता है, अगर आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है या कोई भी और इशू आ रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, और कॉल करके आपका जो भी पेमेंट रिलेटेड सपोर्ट आपको चाहिए होगा वो आपको मेरे एंड से मिल जाएगा। तो दिस इज अ टेंजेंट बैच, दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों हमारे पास लेवल आता है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में, या मैं कहूँ जो नेक्स्ट बैच है हमारे पास, उसका नाम है टॉपर्स बैच। टॉपर्स बैच एक कंप्लीट पैकेज है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको जो टॉपर्स वाले बच्चे होते हैं, जो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में जो मार्क्स स्कोर करते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक कंप्लीट पैकेज। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, जो आपको इन्फिनिटी बैच में जितनी भी फैसिलिटी मिलने वाली है, जो आपको टेंजेंट बैच में मिलता है, वो सब तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इस बात का मतलब ये है कि लॉयलिटी बैजेस आपको मिलेंगे, जैसे इन्फिनिटी बैच में मिला था, टेंजेंट बैच में मिल रहा था, इसी तरह से टॉपर्स बैच में मिलेगा, लेकिन इसका कलर अलग होगा, जिससे कि टॉपर बैच का जो स्टूडेंट है उसका जब डाउट आएगा तो मुझे पता रहेगा कि ये टॉपर्स बैच का स्टूडेंट है, ये इन्फिनिटी बैच का और ये टेंजेंट बैच का। तो यहाँ पर जो बैजेस होंगे उनके कलर्स अलग अलग होने वाले हैं। तो टॉपर्स बैच में सबसे पहले मिल जाता है आपको लॉयलिटी बैच, जिसकी हेल्प से आप मुझे बता पाओगे कि मैं आपका उस बैच का स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उनमें से आप मुझे बिल्कुल अलग दिखोगे। तो भीड़ में से जो सबसे अलग दिखेगा वो दिखाई देगा टॉपर्स बैच, इन्फिनिटी बैच और टेंजेंट बैच का मेंबर। इसके बाद प्यारे बच्चों कस्टम इमोजी, यस कस्टम इमोजी। आप लाइव चैट कर रहे होगे तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर इमोजी होंगे जो सिर्फ आपके पास होंगे, किसी और के पास नहीं। तो आप जब आप कमेंट करोगे तो मेरे लिए भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ये कमेंट किसने किया है, मेरे मेंबर ने, और इसके डाउट को लेना मेरा प्रायोरिटी पर रहेगा। तो इनके आपके जो डाउट्स हैं वो लाइव चैट के टर्न पर या कमेंट्स के जो आंसर हैं, बच्चे कमेंट करते हैं आंसर नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर जो मेंबर होगा वो जब कमेंट करेगा तो उसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा बहुत ही जल्दी, जितना मिनटों के अंदर मिले, आवर्स के अंदर मिले, लेकिन उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको कमेंट्स करने पर, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों और इसमें क्या इंक्लूड जाता है, तो टॉपर बैच जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया एक कंप्लीट पैकेज है। तो इसमें आपको जितने भी मैथ्स के एक्सप्लेनेशन होंगे, आपके जितने भी टॉपिक हैं आपकी क्लास से रिलेटेड, वहां पर आपको सारे कंसेप्ट के पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाती है कि हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक। एक चैप्टर के अंदर भी 10 टॉपिक हैं और हर टॉपिक के अंदर आपकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये आपको इन्फिनिटी बैच में भी मिलेगी, टेंजेंट बैच में भी मिलेगी और टॉपर बैच में भी मिलेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल ईच एंड एवरी एग्जाम्पल की डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसा कि आपको इन्फिनिटी बैच में भी मिलती है, टेंजेंट में भी मिलती है, आपको टॉपर बैच में भी मिलने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ क्यों नहीं हुआ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा टॉपर्स बैच के अंदर। ये आपको इन्फिनिटी बैच के अंदर नहीं मिलता है, ये आपको टेंजेंट बैच और जो टॉपर बैच है इसमें दोनों में आपका ये इंक्लूड रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें कुछ नया क्या है टॉपर वाले बैच में, तो अगर मैं बात करूँ टॉपर्स वाले बैच की, तो रेफरेंस बुक जो होती है आपके आपके स्कूल में कोई एक एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक जो है वो लगा कर रखते हैं, जिससे आपका एग्जाम भी उसी से आता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि 80% सिलेबस आ गया एनसीईआरटी की बुक से, या 20% जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो किसी दूसरी बुक से रहता है। तो रेफरेंस बुक में मैं जो प्यारे बच्चों फॉलो करने वाला हूँ वो है आरएस अग्रवाल की बुक, और आरएस अग्रवाल की बुक का आपको पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपके स्कूल में आरएस अग्रवाल की बुक या रेफरेंस बुक लगाई हुई है, या कई स्कूल ऐसे होंगे जिसमें आरडी शर्मा की बुक यहाँ पर लगा रखी होगी, तो आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक हैं, और जनरली ये मिल जाती हैं आपकी रेफरेंस बुक, आपके स्कूल में यही बुक्स वो लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस आप जब ये तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज तक आपका क्लियर हो गया, फिर इसके बाद आप अपनी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उन सब का वीडियो आपको साथ साथ मिलता जाएगा। इनके जो रेफरेंस बुक के जो आरएस अग्रवाल के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोज़ आपको साथ साथ मिलते रहेंगे, और
उन वीडियोस को देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में जो भी डाउट्स होंगे आपको, उनको सपोर्ट करने के लिए आपको मिल जाएंगी प्यारे बच्चों मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम। और क्योंकि आप रेफरेंस बुक भी कर रहे हो साथ में, तो आपके डाउट्स भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो जैसा आपने देखा था कि इन्फिनिटी बैच में मिलती हैं हमें सिवल 7 लाइव स्ट्रीम मिल रही हैं, टेंजेंट बैच की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 10 लाइव स्ट्रीम मिल रही हैं, लेकिन टॉपर्स बैच वालों को मिलेंगी 12 लाइव स्ट्रीम। तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे आपको टॉपर्स बैच वाले बच्चों को लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी, जिसमें वो अपने आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा जो भी बुक उनकी रेफरेंस बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो पूछ पाएंगे मेरे से। तो और साथ साथ जो फैसिलिटी आपको मिलने वाली है वो ये कि मेंबर्स ओनली लाइव चैट। तो ये ऑफर, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है आपको, क्योंकि जब आप चैट करोगे तो वहाँ पर सिर्फ ऐसे लाइव सेशन होंगे, ये जो 12 लाइव सेशन है वो सिर्फ ऐसे लाइव सेशन होंगे जो कि सिर्फ मेरे और मेंबर्स के बीच में हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स वहाँ पर चैट भी सिर्फ कौन कर पा रहा होगा, मेंबर्स ओनली। कई बार YouTube पर ऐसे लाइव सेशन आने वाले हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही चैट कर पा रहे होंगे। तो मेंबर्स को केवल फैसिलिटी आपको इस बैच में ही नहीं, इन जनरल जो चैनल पर होने वाला है वहाँ पर सब कुछ आपको प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। तो ये आपको मिल जाता है टॉपर्स बैच में, एडिशनल एक आपको रेफरेंस बुक का सपोर्ट मिल जाता है, और दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाती हैं 12 लाइव स्ट्रीम। तो आपको 2 लाइव स्ट्रीम यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगी, यानी कि इन्फिनिटी बैच की 7, टेंजेंट बैच की 3, और प्लस 2 लाइव स्ट्रीम और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल जाती हैं टॉपर्स बैच में। तो ये सब कुछ आपको जो मिल जाएगा, इसके बाद भी अगर आपको लाइव स्ट्रीम के टाइम पर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या आप मेरे से कोई और बात करना चाहते हैं, तो उस इंटरेक्शन के लिए मैं आपको करने वाला हूँ एक कॉल, जैसा इन्फिनिटी बैच को भी मिलता है, टेंजेंट को भी मिलता है, इसी तरह से टॉपर्स बैच को भी ये एक स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी कि मेरे एंड से आपको एवरी मंथ एक फ़ोन कॉल आएगा और वहाँ पर आप मेरे से जो भी बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसको ये जो सब कुछ है टॉपर्स बैच में, ये सब कुछ आपको मिल जाता है बच्चों ₹299 पर मंथ ओनली। सपोज करो आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी के टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन, आपको मिल रहा है एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन, आपको मिल रहा है सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और आपकी जो रेफरेंस बुक है उसका कंप्लीट सपोर्ट। तो अगर आपको लगता है कि ₹10 per day वर्थ इट है इन सब के लिए, आपको बैजेस मिल रहा है, इमोजीज मिल रहे हैं, आपको एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन मिल रही है, आपको एनसीईआरटी एग्जांपल्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल रहा है, और आपकी जो भी रेफरेंस बुक आपके स्कूल में लगा रखी है उसका आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको मिल रहा है सिर्फ ₹10 per day में, तो आप डिसाइड करिए कि आपको ये चूज करना चाहिए, आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो चैनल पर आप जाओगे, चैनल पर जाकर जो ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन के बटन पर आप जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है टॉपर्स बैच। अगर आप टॉपर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो टॉपर्स पर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप टेंजेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेंजेंट, अगर इन्फिनिटी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इन्फिनिटी। आप अपने एंड से आपको ये चूज करना है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फिनिटी बैच में अलग तरह का मटेरियल है, आपका टेंजेंट बैच में अलग तरह का मटेरियल है, और टॉपर्स में एडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो इन्फिनिटी बैच में जो मिलेगा वो सब कुछ टेंजेंट में मिलेगा ही मिलेगा आपको, जो टेंजेंट बैच में मिलेगा वो सब इन्फिनिटी बैच और टेंजेंट वाला सारा मटेरियल आपको टॉपर्स वालों को ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है टॉपर्स बैच के अंदर, आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद इसका जो पेमेंट आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से या पेटीएम से, तो वो बहुत आसान होता है करना। और फिर भी अगर आपको उससे रिलेटेड अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आपको मैं कॉल करूंगा, और कॉल करके आपकी जो भी रिलेटेड क्वेरी होगी उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो ये है प्यारे बच्चों हमारा टॉपर्स बैच। ओके, तो अब बात करते हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, जितने भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हैं, अब उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, अरे ये सर ने क्या लॉन्च कर दिया, इसमें तो कुछ पैसे वैसे मांग रहे हैं सर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं प्यारे बच्चों बता देता हूँ आपके जो क्वेश्चंस हैं कि क्या YouTube पर जो प्लेलिस्ट है, जो हमारे वीडियोज़ हैं, क्या वो सब डिलीट होने वाले हैं? आंसर है नो, बिल्कुल भी डिलीट नहीं होने वाले हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 9th का और 10th का वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, एक भी वीडियो चैनल से डिलीट नहीं होने वाली है, कहीं पर कुछ भी नहीं जाने वाला है। नंबर 2 क्वेश्चन,
हो सकता है आपका क्वेश्चन ये हो कि सर क्या आप अब आगे YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं करने वाले हो, तो आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही थी उसी तरह से सारी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस, कंप्लीट आरएस अग्रवाल का सिलेबस, जो जो आपसे कमिटमेंट है वो सब के सब वैसे ही चलेंगे। कुछ भी चेंज चैनल पर नहीं आने वाला है, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं। क्या लाइव सेशन सिर्फ आप मेंबर्स के लिए करोगे, तो आंसर है नो। लाइव सेशन मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है उनके लिए लाइव सेशन अलग रहेगा, मेंबर्स के लिए लाइव सेशन अलग रहेगा। तो चैनल पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। रेगुलर चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप अभी देख रहे हो रिसेंटली चैनल आप उठाकर देखोगे अगर पिछले 2 या 3 महीने में, तो आप देखोगे लगातार चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और अगले 3 महीने में भी अगर आप डेटा को सर्च करोगे तो अगले 3 महीने में भी लगातार आपको उसी फ्लो में चैनल पर वीडियो अपलोड होते हुए दिखेंगे। तो बच्चों आप ये निश्चिंत रहना कि ये क्या बैच में ज्वाइन ना करूं तो फिर मैं कैसे करूंगा, या मुझे पे नहीं करना है, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैनल पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। सिर्फ ज्वाइन करने पर मेरे और आपके बीच का इंट्रैक्शन बढ़ाने का एक तरीका है, क्योंकि आप समझो कि अगर हम यहाँ पर यूट्यूब पर अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, पब्लिकली सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं लग रहा। लेकिन ज्वाइन करने पर आप पे जो कर रहे हो वो क्या पे कर रहे हो, ₹5 पर डे, ₹6 पर डे, ₹10 पर डे। और वो पे करने पर, ₹5 पे करने पर मेरे और आपके बीच का सिर्फ इंट्रैक्शन बढ़ रहा है। आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कमेंट सपोज करो एक दिन में 1000 कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो 1000 कमेंट का आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप मेंबर हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले में आपने मुझे पे किया है, तो मुझे उस कमेंट का आंसर करना ही होगा। तो बस सिर्फ ये मेरे और आपके बीच का एक कंसिस्टेंसी, एक रेगुलरिटी, जिससे आप एक रेगुलर हो जाएंगे चैनल पर और आप रेगुलरली स्टडी भी करेंगे। अगर आप जस्ट वीडियोज देखकर अगर आप पहले से अगर रेगुलर हैं तो ये बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही, आप कभी वीडियो देखते हो कभी नहीं देखते हो, कभी इस चैनल पर जाते हो कभी इस चैनल पर जाते हो, कभी ये टीचर अच्छा लगता है कभी ये अच्छा लगता है, तो अगर ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि ये ऐसा करते 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 पूरा साल एंड हो जाएगा और आपका एग्जाम भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो अभी से कंप्लीट पैकेज आपके पास हो तो आप ज्वाइन करो। अगर आप चैनल की अगर मैं बात करूं तो चैनल पर रेगुलर चीज़ें अपलोड होने वाली हैं, किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पर्सनली मेरे साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, मुझ पर फ़ोन से बात करना चाहते हैं और कोई कमेंट करें अगर वो तो तुरंत रिप्लाई आए, ऐसा कुछ अगर फैसिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ उनको ज्वाइन करना है। बाकी यूट्यूब चैनल जो जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलने वाला है। आपको लाइव सेशन मिलने वाले हैं, आपको चैनल पर डेली रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे, क्लास 9th के 10th के 11th के 12th के ये रेगुलर अपलोड होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये मैं ज्वाइन नहीं करूं तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैनल हमारा रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहेगा। ओके बच्चों, तो अगर आपको चाहिए मैथमेटिक्स के कंसेप्ट की क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन तो उसके लिए आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस क्लासेस के ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे जो 3 बैचेस हैं, इन्फिनिटी बैच, टेंजेंट बैच या टॉपर्स बैच, इसमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनको ज्वाइन करने के बाद आप मेरे से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।